आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फ़ोनपे के अंदर जब भी हम पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे UTR नंबर आती है, तो UTR नंबर क्या होती है और UTR नंबर कैसे काम करती है, UTR नंबर का मतलब क्या होता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। फिलहाल यहाँ पे जैसे हम पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो अमाउंट है उसके जस्ट नीचे UTR और यहाँ पे जो है कुछ डिजिट में हमारा एक बड़ा सा नंबर आता है। तो ये UTR नंबर कैसे काम करता है और ये होता क्या है, इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अगर आपको UTR नंबर लिखा आता है, UTR नंबर दिखा रहा है या फिर इस तरीके से, तो बेसिकली ये UTR नंबर इस तरीके से काम करता है कि जब भी आप किसी को पेमेंट करते हैं और जब उसको आप बताते हैं कि आपने पेमेंट किया है तो वो UTR नंबर आपसे मांगता है। इस UTR नंबर से वो चेक करता है, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ये चेक होता है कि आपका पेमेंट आया है कि नहीं। बेसिकली ये जब भी हम किसी गेम या फिर किसी एप्लीकेशन में पेमेंट करते हैं, किसी गेम में पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पर सॉफ्टवेयर के थ्रू वहाँ पर चेक होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी इंसान जो है मैन्युअली चेक नहीं करता है। वहाँ पे सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जब भी इस आईडी को डालेंगे तो उस आईडी के डालने के बाद वहाँ पे जो है आपका पेमेंट चेक होता है। तो इस तरीके से UTR आईडी जो है या फिर UTR नंबर जो है हमारा काम करता है, और UTR नंबर का इस तरीके का हमें जो है मतलब देखने को मिलता है। अगर आपको वीडियो यहाँ पे अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।